कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने YouTube पे वीडियो किस तरीके से पब्लिश करती हूँ, अपने वीडियो को एडिट कैसे करती हूँ, उसके थंबनेल कैसे अपलोड करती हूँ और उस वीडियो को किस तरीके से टैग लगाती हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन लिखती हूँ। ये जो सारी चीजें हैं मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आप अपने वीडियो को शूट किस तरीके से करते हो, तो जब आप नया नया YouTube चैनल खोलोगे, जैसे कि मैंने अपना जो फर्स्ट वीडियो YouTube पे अपलोड किया था उस टाइम मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, तो मैं क्या करती थी कि अपने जो मेरा जो मोबाइल था वो अपने जो बुक होती है बुक एक के ऊपर एक रख दिया और उसे क्या करती थी कि अपने लेवल पे ले आती थी, क्योंकि मेरे पास बुक था तो उसे बुक के ऊपर बुक रख के और उसके बाद उसका जो साइड वेस होता है वहां पे मैं अपने मोबाइल को इस तरीके से अड़ा लेती थी, तो मेरा जो फेस है वो काफी उसमें क्लियर आता था। तो इस तरीके से शुरुआती दौर में मैंने वीडियो को क्या किया कि शूट किया, लेकिन अभी का जो टाइम है जिस टाइम मैं अभी शूट कर रही हूँ इसके लिए मैंने उसके बाद एक छोटा सा ट्रैपोर्ट लिया, क्योंकि अभी मुझे YouTube से बिल्कुल भी कोई अर्निंग नहीं होती है, तो मैं अभी इसमें कोई इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहती हूँ, बस ये ऐसे ही चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हुआ था उसकी वजह से मैंने सोचा कि एक ट्राइपॉड ले लेते हैं, तो जो मैं अभी ट्राइपॉड यूज कर रही हूँ वो बहुत ही सस्ता है, लगभग 300 से 350 के प्रॉक्स आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे अच्छा वाला ट्राइपॉड मिल जाएगा, तो वहीं से मैंने एक ट्राइपॉड परचेज कर लिया। तो अब जो मेरा काम है वो ये ट्राइपॉड करता है, जो मेरा मोबाइल है उसे मैं स्टिक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने वीडियो को शूट कर लेती हूँ। आप अपना जो वीडियो है वो किस तरीके से शूट करते हो? तो सिंपली मैं अपने वीडियो को शूट करती हूँ, कैमरा मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैं अपने वीडियो को शूट करती हूँ एक सिंपल सा मोबाइल फोन का। मेरा जो मोबाइल है वो Oppo A37 है और उसका जो फ्रंट कैमरा है उसी का यूज करके मैं अपने वीडियो को शूट करती हूँ, और जो इसका फ्रंट कैमरा है काफी अच्छा है, मैं इसका बैक कैमरा नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि जो बैक कैमरा है उससे मेरा फेस क्लियर नहीं आता है और वीडियो की क्लियरिटी YouTube के लिए काफी मायने रखती है। अगर आपका जो वीडियो है वो खराब लेवल का होगा, आपका फेस बिल्कुल नहीं दिखेगा, तो आपके जो सब्सक्राइबर होंगे या फिर आपके जो व्यूअर्स होंगे वो आपके वीडियो को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि अपना फ्रंट कैमरा यूज करती हूँ ताकि मेरा जो फेस है वो अच्छे से आए और मैं आपको अच्छा वाला वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। और जो थर्ड है वो काफी कॉमन क्वेश्चन है कि इस वीडियो को जब आप शूट करती हो तो उसे आप एडिट कैसे करती हो? फ्रेंड्स, जो यूट्यूब है उसके लिए आपको बहुत सारे एडिटर मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर में जाओ और उसके बाद कोई सा भी आप एडिटर सर्च करके उसे डाउनलोड करके फ्री में वीडियो को एडिट कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आता है तो यूट्यूब पर आप कोई ट्यूटोरियल देख लो, यूट्यूब पे जाके सर्च करना कि एडिटर कैसे डाउनलोड करें अपने एंड्रॉयड फोन में। इस तरीके से आपको बहुत सारे वीडियोस देख जाएंगे, उसमें से आपको एक वीडियो सिलेक्ट करके उसे देख लेना। तो मेरा एडिटर है वो मैं यूज करती हूँ, पहले करती थी कान मास्टर, लेकिन उसमें आता था बहुत ही बड़ा सा एक वाटर मार्क, उसकी वजह से मुझे 3 से 4 बार अपने वीडियो को एडिट करना पड़ता था सिर्फ उस वाटर मार्क को हटाने के लिए। तो मैं इधर 2 से 4 दिनों से क्या कर रही हूँ कि इन शॉर्ट एप्लीकेशन का यूज कर रही हूँ वीडियो को एडिट करने के लिए, और ये काफी अच्छा एप्लीकेशन है, आप इससे आसानी से अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है, जब आप अपने वीडियो को डाउनलोड करते हो यूट्यूब पे तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने थंबनेल को कैसे बनाते हो। तो फ्रेंड्स, थंबनेल बनाने के लिए भी आपको सेम द वे बहुत सारे आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे इसका बिल्कुल ट्यूटोरियल मत देखना क्योंकि सारे बकवास ही ऐप आपको सजेस्ट किया हुआ है। अपने जो आपकी जो फोन है उसमें से प्ले स्टोर खोलना और उसके बाद उसमें सर्च करना थंबनेल मेकर, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, कोई भी एक आप उसमें डाउनलोड कर लेना और उसके बाद आप उससे अपना थंबनेल बना सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, हो सके तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपना प्रोफेशनल थंबनेल किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करना कि अपने थंबनेल को बना सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आपके पास
वीडियो को अपलोड करने के लिए यूट्यूब पर एक बहुत ही अच्छा सा कैमरा होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, माइक होना चाहिए। ये सारी चीजें यूट्यूब चालू करने से पहले, यूट्यूब को स्टार्ट करने से पहले माइंड में आती है। लेकिन अगर आपके पास सिंपल सा एक एंड्रॉयड फोन है, उससे भी आप अपने यूट्यूब चैनल को अच्छी लेवल तक पहुंचा सकते हो। जैसे कि मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल जब मैंने इस मोबाइल को 2018 में परचेज किया था, तो ये मोबाइल मुझे 10,000 का पड़ा था। और अगर अभी का टाइम का जो प्राइस देखा जाए, तो इस मोबाइल का कीमत 7 से 8 हज़ार है। और अभी तक मैं इसी मोबाइल से शूट करती हूँ, और मुझे इससे शूट करने में बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस फील होता है, इसकी वजह से मैं इसे शूट करती हूँ। सिंपल सा जो भी आप मोबाइल यूज़ करते हो, क्योंकि जो आजकल का मोबाइल है काफ़ी सिंपल आता है, कोई भी आप 10 से 15 हज़ार के बीच एक मोबाइल खरीद लेना। और बस ध्यान देना कि उसका जो फ्रंट कैमरा है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि उसमें आपके जो फेस की क्लियरिटी है वो अच्छे से दिखे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने वीडियो को शूट कर सकते हो। अब बात आती है कि माइक कौन सा यूज किया जाए। तो फ्रेंड्स, मेरे पास तो मेरा प्राकृतिक माइक है, मेरा गला, मेरे पास कोई भी माइक नहीं है। आप देख सकते हो मैंने अभी कुछ नहीं लगाया हुआ है। मैं वीडियो जब शूट करती हूँ तो सिर्फ एक बात का ध्यान देती हूँ कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसमें कि बहुत सारे बर्तन आते रहते हैं या फिर कोई साउंड आता है, गाड़ी वगैरह का साउंड आता है, उसका उसका सिर्फ और सिर्फ साउंड मेरे वीडियो में ना आए। बाकी मैं अपना जो वॉइस है वो इतना जोर जोर से बोलती हूँ, इतना ज़्यादा जोर से बोलती हूँ, ताकि मेरा जो वॉइस है वो आप लोगों के साथ क्लियर कनेक्ट हो पाए और आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप ये वाला काम करना, जब भी आप वीडियो शूट करना तो अपने जो आवाज़ है उसे थोड़ा सा हाई कर लेना, और अपनी वीडियो को इस तरीके से आप शूट कर सकते हो विदाउट माइक के। और जो मोबाइल की जो साउंड की क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, आपकी साउंड को काफ़ी फिल्टर करके वो लेता है। और अगर कोई भी थोड़ी बहुत साउंड प्रॉब्लम आती है, तो आप जो एडिटिंग ऐप डाउनलोड करते हो वहाँ पर से आप वॉइस को बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, तो उस फीचर्स का यूज करके अपने साउंड को थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि आपको ये वाला वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक और नए बेहतरीन एपिसोड में। तब तक खुद से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय।